सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 का 8वां पाठ, तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी बली। तो एक बाग में, एक बगीचे में, एक डाली पर, एक पेड़ की डाली पर, एक पौधे की डाली पर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। कली क्या होती है बच्चों? जब फूल खिलने से पहले, जब वो बंद होता है खुलने से पहले, वो कली होता है। तो एक डाल पर एक कली लगी हुई थी। तितली ने उसे आकर बोला, तुम तो बड़ी भली, बड़ी सुंदर, बड़ी समझदार लगती हो, अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो अब तितली ने क्या बोला कि अब तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, कि अब तुम जाग जाओ और हमारे साथ खेलो, मतलब अब तुम खिल जाओ ताकि हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएं और तुम्हारे साथ खेलें। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तुम्हारी महक जो है वो गली गली में फैल रही है और तुम्हारी महक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब जो कली थी वो तो खेलने की बात सुनकर फटाफट से छिटक कर खिल गई, मतलब वो कली फूल बन गई। उसे लगा कि अरे वाह, अगर मैं खिल जाऊंगी तो मुझे तितली के साथ खेलने को मिलेगा, और हवा के साथ भागने लगी। अब ऐसा नहीं है कि जो कली थी वो फूल बनकर छिटक गई, नीचे गिर गई। जो जब वो खिली तो जब हवा चली तो वो इधर उधर डोलने लगी और तितली उस पर बैठने के लिए इधर उधर भागने लगी। ठीक है, तो ये थी कविता। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास खेलने गई थी, है ना? तितली और कली ने क्या खेल खेला बताओ? पकड़ रही थी ना तितली उसे, तो तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेलने की बात कहने पर। कली खुश होकर खिल गई। अंदाजा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी। देखो कविता में तितली कहती है, अब जागो तुम आंखें खोलो, है ना? तो हम कब जागते हैं? सुबह के समय में ना। तो तितली कली के पास सुबह के समय में गई होगी। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? क्योंकि कली सो रही थी। तो सभी रात में सोते हैं, कहते हैं ना पौधों को शाम के बाद नहीं छेड़ना चाहिए, वो सो जाते हैं। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे दिए गए इन शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। घड़ी घड़ी, जैसे हम कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी, मतलब समय समय परेशान मत करो, जगह जगह, जगह जगह कूड़ा मत फैलाओ, घर घर, घर घर जाकर न्योता दे आओ, डाल डाल, वह पंछी डाल डाल पर बैठ रहा था। ठीक है, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। अब देखिए यहाँ पर, कली भली गली चली, है ना? अब इसी तरह से नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो, खोलो, डोलो, ठीक है? ऐसे आपको यहाँ पर और यहाँ पर शब्द जोड़ने हैं। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? बड़ी क्यारी, अरे मम्मा बड़ी खुशबू आ रही है। और बुरी लगने वाली महक को, अरे छी, कहीं से बड़ी बदबू आ रही है। ऐसी चीजों के नाम लिखो
जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी नहीं। जिनकी पसंद है उन्हें यहाँ लिखना है, जिनकी नापसंद है उन्हें यहाँ लिखना है। जैसे कि आपको फूलों की, साबुन की, परफ्यूम की पसंद हो सकती है, कूड़े की नहीं पसंद होती है ना, और किसी कोई सब्जी हो गई या कोई फल हो गया ऐसा जिसकी महक आपको पसंद नहीं हो। कभी मम्मी क्या करती है कि मलाई से घी बनाती, तो बच्चों को उसकी भी महक अच्छी नहीं लगती है, तो आप वो भी लिख सकते हो। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है, तो ऐसे जितने भी फूल आपके आसपास लगे हों उनके नाम लिखने। जैसे गुलाब का फूल हो सकता है, गेंदे का फूल हो सकता है, रात की रानी का फूल हो सकता है, और इन फूलों को जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है आपको उन्हीं भाषा में उनका नाम लिखना है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? अब कई लोगों के घर से क्या होता है कि बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करते हैं, तो उसकी महक आ सकती है। कुछ लोग अपने घर में रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, ओडोनिल यूज करते हैं, उसकी स्मेल आ सकती है। कुछ लोग जो है सरसों के तेल में खाना पकाते हैं, तो उनकी रसोई से सरसों के तेल की महक आ सकती है। तो आपको वो सारी महक लिखनी है जो आपके घर से आपको जगह जगह से आती है। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों? तो खेलने के लिए तो भाई सभी बच्चे जाग जाते हैं, तो सभी बच्चे खेलने के लिए जागेंगे। कुछ बच्चों को पढ़ने का शौक होता है तो वो पढ़ने के लिए जागेंगे, कुछ बच्चों को नहाने का शौक होता है तो वो नहाने के लिए जल्दी जाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों को नहाने का शौक नहीं होता है तो वो टालते रहते हैं, ऐसे ही कुछ बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं होता तो वो टालते रहते हैं, कुछ बच्चों को खाने का ही शौक नहीं होता है तो वो उसको भी टाल देते हैं। तो आपको जिस जिस जो जो काम अच्छा लगता है, जिसके लिए आप फट से जाग जाओगे वो यहाँ लिखने हैं, जिसके लिए नहीं जागोगे वो यहाँ लिखने हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है, नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? अब तितली किस रंग की हो सकती है? तितली तो भाई बहुत सारे रंगों की होती है, तो यहाँ पर आप कोई भी रंग भी लिख सकते हो या रंग बिरंगी भी लिख सकते हो। सूरजमुखी तो हमेशा ही पीले रंग का होता है, बैंगन बैंगनी रंग का होता है, लड्डू पीला भी हो सकता है और संतरी भी हो सकता है, पेंसिल किसी भी रंग की हो सकती है, प्याला किसी भी रंग का हो सकता है, कुर्ता किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन साग तो हरे रंग का ही होता है, और संतरा संतरी रंग का ही होता है, और मिट्टी भूरे रंग की होती है ना? तो यहाँ पर आपको उन सबके रंग लिखने हैं। तो ये तो था हमारा आज का पाठ। धन्यवाद।